हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। एक क्वेश्चन हर पेरेंट के दिल में आता है कि एग्जैक्टली बच्चों का डेवलपमेंट प्रमोट कैसे होता है। आई एम श्रेया, आई एम अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर। आई एम चैताली, आई एम अ स्कूल साइकोलॉजिस्ट। आज हम लोग बात करेंगे एग्जैक्टली बच्चों का सही डेवलपमेंट अगर हम लोग को प्रमोट करना है तो वो कैसे हो सकता है। चैताली, अगर बच्चे का सही ब्रेन डेवलपमेंट प्रमोट करना है तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? पेरेंट्स को बहुत छोटी छोटी सिंपल एक्टिविटीज़ थ्रू दे कैन डू, बिकॉज दे हैव एवरीथिंग। उनके पास इनपुट लेने के लिए दे आर रेडी, हमें बस उन्हें कुछ आउटपुट देने की ज़रूरत है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है, सो दैट वी कैन प्रमोट डेवलपमेंट इन टू द चाइल्ड। सो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कोई एक एग्जाम्पल? यस, सो हाउ ब्रेन डेवलपमेंट हैपन्स, ब्रेन डेवलपमेंट इज़ वेरी नेचुरल, देर आर एवरीथिंग इन टू देयर ब्रेन। इवन पूरे लाइफ के लिए जितने भी सिनेप्सिस लगते हैं, जितने भी न्यूरॉन्स लगते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, एवरीथिंग इज़ रेडी, एवरीथिंग इज़ देयर। तो न्यूरॉन्स एंड सिनेप्सिस आर द बेसिक स्ट्रक्चर विच वी नीड फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट, वो सब उनके पास है। नाउ एनवायरमेंट एंड द लाइफ एक्सपीरियंसेस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन दैट। सो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेन जो चीज़ें हम लोग रिपीटेडली करते हैं उस तरीके से ब्रेन वायर्ड होता है। इफ़ वी आर फोकसिंग ऑन द लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड रिपीटेडली वी आर डूइंग फ्यू एक्टिविटीज़ फॉर द लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा। इफ वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द मैथ, लॉजिको मैथमेटिकल डेवलपमेंट या फिर साइंटिफिक जो भी चीज़ें होती है उसके ऊपर से अगर फोकस हट गया, वो एक्टिविटीज़ थोड़ी कम पड़ गई, तो उसमें जो सिनेप्सिस लगते हैं उनकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी और उसमें डेवलपमेंट जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी सिंपल, जिस तरीके का हम लोग एनवायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, जिस तरीके की एक्टिविटीज़ हम लोग बच्चों के साथ करेंगे, उसी तरीके से उनका ब्रेन वायर्ड हो जाएगा और उसी तरीके से डेवलपमेंट हो जाएगा। सो आपको अगर बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट प्रमोट करना है तो इसका मतलब यह है कि बच्चे को एक्सपोजर देते रहो। ये मेजर काम है जो हम लोग करना है। ओके, नेक्स्ट डेवलपमेंटल एस्पेक्ट। बाय द वे, आप सबको पता होना चाहिए कि बच्चे के टोटल 10 डेवलपमेंटल एस्पेक्ट होता है। मैं और चैताली साथ में लाइव ऑनलाइन कोर्स लेते हैं 3 months टू लेके 3 years के बच्चों के लिए। प्ले डेट टर्न होम प्ले इनटू डेवलपमेंटल प्ले एंड पेरेंटिंग। अगर आप में से किसी को ये कोर्स ज्वाइन करना है, अपकमिंग बैच लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए इमोशनल डेवलपमेंट अगर हम लोगों को बच्चों में प्रमोट करना है तो एग्जैक्टली पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? इमोशनल डेवलपमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रुशियल डेवलपमेंट इन द ओवरऑल चाइल्ड डेवलपमेंट। और बिफोर वी टर्न टू द चाइल्ड, पेरेंट्स को इमोशनली डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हम लोग बैच में सिखाते हैं। यस, जो कि बहुत सारे पेरेंट्स नहीं होते। पेरेंट्स, इवन वी आर नॉट एबल टू हैंडल आवर इमोशंस। वी आर टॉकिंग अबाउट द इमोशंस, इमोशंस के नाम हमें पता नहीं थे, इमोशंस को हैंडल कैसे करना है, व्हाट आर द राइट एक्सप्रेशंस टू एक्सप्रेस द इंटेंस इमोशंस। फॉर एग्जाम्पल, एंगर हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, तो इन्हें एक्सप्रेस करने के क्या क्या वेज हो सकते हैं, इसके बारे में ना तो स्कूल में बात हुई थी, ना तो हमारे पेरेंट्स ने बताया नहीं था, बिकॉज दे डोंट नो अबाउट दैट। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है इन इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। इट इज़ वेरी सिंपल, उन्हें बहुत कुछ पता होता है, दे आर फीलिंग एवरी इमोशंस। जैसे ही वो बॉर्न होते हैं, दे गॉट इरिटेट, उन्हें गुस्सा भी आता है, वो हैप्पी तो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो रोते भी हैं, जस्ट दे डोंट नो द नेम्स। सो बेसिकली इमोशनल डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए उनको अलग अलग इमोशंस के नाम बताना, उसके एक्सप्रेशन समझाना, देर आर लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल एक्टिविटीज, लवली। सी बेसिकली बच्चों के डेवलपमेंट के लिए हम लोग जो भी करते हैं वो एज अप्रोप्रिएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग एज अप्रोप्रिएट चीज़ों पे फोकस करते हैं जब हम लोग कोर्स की बात करते हैं। यस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज वी फॉलो प्लेवे मेथड, बिकॉज प्ले इज द ब्यूटीफुल वे थ्रू विच चाइल्ड लर्न। बच्चा कभी ऐसे नहीं बोलेगा कि आई हैव अ हार्ड डे, आई हैव अ डिफिकल्ट डे। बच्चा ऐसे आके बोलेगा कि लेट्स प्ले समथिंग। सो दिस इज द लैंग्वेज विच बेबीज यूज, चाइल्ड यूज टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस और वॉट एवर दे आर ट्राइंग टू टेल अस। सो इसी मेथड को हम लोग फॉलो करते हैं। सो बेसिकली अगर आपको बच्चे के डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, ब्रेन डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आप लोगों को एज अप्रोप्रिएट चीज़ें करनी पड़ेगी। हर डेवलपमेंटल एस्पेक्ट के ऊपर हम लोग ऑलरेडी सेपरेट वीडियोज़ कर चुके हैं, बट आप लोगों को आज के वीडियो के थ्रू इतना ही बताना है कि बच्चे ये सब चीज़ें लेके पैदा होता है, सिर्फ कौन सी चीज़ नर्चर होके आगे उनमें दिखाई देगी ये डिपेंड करता है कि हम लोगों ने उनको कितनी चीज़ों का एक्सपोजर दिया।
तो सोचो और पेरेंट्स डू टेक योर ओन डिसीजन. वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर दिस न्यू बैच. लास्ट बैच हम लोगों ने 2 दिन के अंदर क्लोज कर दी थी विथ 90 कपल्स. इस बैच को आई थिंक इज गोइंग टू बी अ ब्लास्ट. तो अपना सीट जितना जल्दी पॉसिबल हो फ्री ओरिएंटेशन के लिए पक्का रिजर्व करना. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय.